नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हाउ टू लर्न एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे, आप अपने ही घर में जो आपकी पुरानी झाड़ू है उससे एक काम करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होती है, साथ ही आपके जो पितर हैं आपसे खुश होकर के आपको माला माल कर देते हैं। आपके जो पितर दोष होता है वह भी आपके पितर आशीर्वाद में बदल जाता है। दोस्तों, झाड़ू को वैसे भी सीधे तौर पर माता लक्ष्मी से जोड़ करके देखा जाता है, इसीलिए आप अपने घर की जो पुरानी झाड़ू होती है उससे आपको अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो आपको सीधे तौर पर इसका फायदा देखने को मिलता है। जब भी कभी आपको झाड़ू का ये पुराने झाड़ू से किए जाने वाला खास उपाय करना हो, उस दिन आप सुबह उठ करके सबसे पहले अपने घर में गंगा जल छिड़क दें, उसके बाद घर की साफ सफाई करें और घर। दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वे अपने आप में ही बेहद खास व चमत्कारी है, इसीलिए तो ज्योतिषीय उपायों में घर की रसोई में से या फिर बाजार में आसानी से मिलने वाली चीजों के द्वारा ही उपाय करने को बताए जाते हैं, क्योंकि वे छोटी छोटी चीजें भी अपने आप में बेहद खास व चमत्कारी होती हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा हानि होती है और धन कमाने की मनोकामना आपके मन में ज्यों की त्यों है, तो आप वीडियो में जो हम आपको उपाय बता रहे हैं इस उपाय को एक बार अवश्य करके देखिए, आपका जीवन न बदल जाए तो कहना। में साफ सफाई पूरी हो जाए उसके बाद नहा धो करके अपने नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो जाए। इस उपाय को इतना खास बनाती है इसकी क्रिया। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग सबसे पहले उठते हैं और झाड़ू लगाते हैं। अगर आपके घर पर किसी ने भी उल्टा सीधा कुछ करवाया है या ऊपरी बाधा करवाई है, तो ऐसे में जब आप गंगा जल पहले छिड़कते हैं उसके बाद झाड़ू लगाते हैं, तो जो भी कुछ सामने वाले ने उल्टी क्रिया करवाई है या आपको संदेह भी है तो वह क्रिया आपके ऊपर असर नहीं करेगी, बल्कि जिस किसी ने भी करवाई है उसी के ऊपर उसका असर होगा। इससे आप यह भी पता लगा सकते हैं कि अगर करवाने वाला आपके आसपास का ही कोई है तो वह कौन है, क्योंकि उसकी क्रिया उसी के पास वापस चली जाएगी और ऐसा एक बार नहीं लगातार होगा। आप सबसे पहले उठेंगे और घर में गंगाजल छिड़केंगे, उसके बाद झाड़ू लगाएंगे। आपने घर की पुरानी झाड़ू से आप झाड़ू लगाएं। इसके बाद दोस्तों, जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उस पानी में थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी मिलाकर फिर आप पोछा लगाएं, ताकि आपके घर की हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक शक्तियां या फिर ऊपरी बाधा जिन्हें आप कहते हैं या नजर दोष, वे स्वतः ही समाप्त हो जाएं। जब आप अपने घर में पूरी तरह से झाड़ू व पोछा लगा करके इसे स्वस्थ कर लेंगे, तब आप एक लोटे में, तांबे के लोटे में पानी डालें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके दो चुटकी उसमें हल्दी डाल दें और उस पानी से अपने पूरे घर में छिड़काव करें और बचे हुए पानी को